Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नवदीप सिंह। आप देख रहे हैं देसी न्यूज। आज बात करेंगे जो है स्वच्छता लोग फैलाते हैं गंदगी के बारे में। सरकारों ने स्वच्छता अभियान भी चलाए हैं। मोदी जी ने खुद झाड़ू उठाकर गलियों को साफ करने का संदेश दिया है। हमारे आसपास स्वच्छता रखना जरूरी है, इससे बीमारियां भागती भी हैं। तो लोग हमारे इस गांव में सहजीपुरा में हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे लोग गलियों में कीचड़ कचरों के ढेर लगाते हैं। अच्छी गलियां अच्छी सड़कें बनाने के बावजूद अच्छी नालियां हैं उनको बंद करके रखा हुआ है। गंदा पानी डालते हैं, उससे बदबू फैलती है, मच्छर भी घर करते हैं, इससे बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं। मैं नवदीप सिंह हाजिर हूँ आपके सामने खास खबर लेकर। आप देख रहे हैं देसी न्यूज। हम बात कर रहे थे गांव में पसरी गंदगी जो कुछ लोगों द्वारा फैलाई जाती है। हमारे दर्शकों को खास जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हर्षदीप सिंह सहजीपुरा से जुड़े। हर्षदीप, आपका स्वागत है। हाँ हर्षदीप, हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ कुछ गलियों के क्या हालात है। हाँ नवदीप, फिलहाल यहाँ सभी गलियों में जो नालियां बनाई गई है वो बंद कर रखी है तथा कुछ लोग सफाई रखते हैं। ज्यादातर लोग गंदा पानी सड़क पर ही फेंकते हैं। हाँ तो हर्षदीप, इसके लिए गांव के सरपंच ने तो इनको कहा होगा। हाँ जी बिल्कुल नवदीप, इनको सभी ने कहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये बात कहने पर वो झगड़े पर उतर हो जाते हैं। फिलहाल तो इस समस्या का कोई हल नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि जो लोग ये अस्वच्छता का कार्य कर रहे हैं उनको ना ही अपने सेहत की और ना ही आसपास के स्थान समाज स्थान और पर्यावरण की फिक्र है। हम गुजारिश करते हैं कि आप दर्शकों में से अगर कोई ये कार्य कर रहा है तो इसके लिए आपको खेद होना चाहिए। आपकी सेहत के लिए बुरा साबित हो सकता है, यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आगे मिलेंगे हम खास खबरों के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सफाई देखते रहिए देसी न्यूज़। ऑडियो जंगल। ऑडियो जंगल।